नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे नेटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बच्चों के स्वेटर में, चाहे लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, सॉक्स में, शूज़ में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आठ नंबर में आप कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आप अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लें और सभी फंदे सीधे बना लें। तो फर्स्ट लाइन में मैंने सेकेंडरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लिए हैं। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, शेष फंदे सीधे ही बनाएंगे और लास्ट फंदा उल्टा। तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनने से उल्टे फंदों की एक धारी आ गई है। अब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे या सीधा बुनेंगे और अगले फंदे में, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगले फंदा हमारा ये उल्टा है, तो इसमें हम यहाँ सिलाई ना डाल के, यहाँ जहाँ हम बुनते हैं नॉर्मली वहाँ सिलाई ना डाल के एक लाइनें चाहिए, ये जो उल्टा फंदा हमारा आया है इसके नीचे हम सिलाई डालेंगे और प्राइमरी कलर से एक सीधा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, अगला फंदा, अब ये उल्टा फंदा जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे हमें सिलाई डालना है और सीधा बुनना है। एक फंदा नॉर्मली सीधा और एक फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, एक फंदा नॉर्मली सीधा, अगला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, एक फंदा नॉर्मली सीधा और एक फंदा एक लाइन नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे और सीधा बना लेंगे। लास्ट फंदा सीधा, तो एक फंदा नॉर्मली सीधा, एक फंदा एक लाइन नीचे से सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारा फोर्थ रो है, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदे सीधे बना लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। और अब हम अपने सेकेंडरी कलर से पहला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा भी सीधा ही बुनेंगे, तो हमने दो फंदे सीधे बुन लिए। अब तीसरे फंदे में हम एक लाइन नीचे आ जाएंगे और तब सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, अगला फंदा एक लाइन नीचे सिलाई डालेंगे तब सीधा बनाएंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, अगला फंदा। अब यहाँ देखिए, जो ये हम छेद जैसा बना है तो अगला लाइन हम इसी में डालेंगे, ये जो अगला फंदा सीधा, ये देखिए ये जो ऐसे बना हुआ है तो हमको इसी फंदे को एक लाइन नीचे से बुनना है, नेक्स्ट फंदा सीधा, एक फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, नेक्स्ट फंदा सीधा, अगला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में, शुरुआत में भी हमने दो फंदे सीधे बुने थे, तो सेकेंडरी कलर से बुनते समय हम लास्ट में दो फंदे, स्टार्टिंग में और लास्ट में दो दो फंदे सीधे बुनेंगे। फिर रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदे सीधे बुनेंगे
और लास्ट फंदा उल्टा। अब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे पहला फंदा सीधा, अगला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, नेक्स्ट फंदा सीधा, अगला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट एक लाइन नीचे से सीधा। एक फंदा सीधा, अगला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा। और लास्ट फंदा सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। दो फंदे और दो लाइन का ही ये डिज़ाइन है। अगले लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ जा रहा है। और एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।